अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वापडा में नई वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले आप लोगों को इश्तहार दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार गाइड करूँगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट है चाइनीज लैंग्वेज इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की। इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा चाइनीज लैंग्वेज का कम अज़ कम एक साल का स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ, और एज की लिमिट दोस्तों 45 साल तक है। सैलरी पैकेज 40,000 से लेकर 60,000 तक होगा महाना। ओपन मेरिट पे है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने वेबसाइट से डाउनलोड करने, कैसे अभी आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे शाल स्मित वालों को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा, और इंटरव्यू के वक्त आप लोगों ने अपने तमाम रिजल्ट डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स जिसमें दोस्तों एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शिनाख्ती कार्ड और तीनों पासपोर्ट तस्वीर लगा कर दिए गए एड्रेस पे आप लोगों ने बाय पोस्ट पहुँचाना है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 27 सितंबर 2021 है। इश्तहार की तफसील के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट dailyjobinform.blogspot.com विजिट कर सकती हैं। इस वेबसाइट पर दोस्तों रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी नए इश्तहार आते हैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से, चाहे वो प्राइवेट नौकरियाँ या गवर्नमेंट नौकरियाँ, उन तमाम के इश्तहारात को यहाँ पे अपलोड करते हैं। साथ दोस्तों अप्लाई करने के तरीक़ाकार भी गाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों के सामने वापडा की वेबसाइट ओपन है, इसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड फॉर्म की ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के साथ दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बताए हैं वो लगा के बाय पोस्ट आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश आए तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।